अ बेटर वे ऑफ लर्निंग रिसेंटली जब यह ताइवान के अंडर अर्थक्वेक आया हुआ है दैट इज 6.8 पॉइंट एट मैग्नीच्यूड का अर्थक्वेक है काफ़ी भयानक हादसा हुआ है तो हम लोग देखेंगे कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुई वहाँ से <laughs> वीडियो हम देख सकते हैं पूरा का पूरा ट्रेन ही हिलने लगा तो इससे अर्थक्वेक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक अर्थक्वेक यहाँ पे आया होगा नेक्स्ट बात करें तो ये वीडियो भी वायरल हुई है और बताएं कि जो अर्थक्वेक आया है सेप्टेम्बर को आया हुआ है यहाँ डेट भी देख सकते हैं एटीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी काफ़ी भयानक अर्थक्वेक है सिक्स पॉइंट का अर्थक्वेक काफ़ी डिज़ास्टरिंग हो सकती है इस वीडियो में देख सकते हैं पूरा का पूरा पुल ही जो है पूरा इधर उधर हो चुका है तो काफ़ी भयानक का अर्थक्वेक था ताइवान का और ये बताया जा रहा है कि जो ताइवान का अर्थक्वेक है वो जो है उसका डेप्थ यानी कि जो फोकस होता है वो सेवन किलोमीटर्स यानी कि फोर माइल्स का बताया जा रहा है तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है ताइवान के अंडर अर्थक्वेक आया हुआ है तो ताइवान में क्यों अर्थक्वेक आया है अर्थक्वेक के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं कौन कौन से ऐसे मेजर एरियाज है पूरे दुनिया में वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं और अर्थक्वेक को मेजरमेंट कैसे किया जाता है सबसे पहले बात करें तो अभी रिसेंटली जो है ताइवान ताइवान वर्ल्ड मैप में, में देखें तो हाईलाइटेड पार्ट में ताइवान दिखाया जा रहा है ताइवान एक इंडिया मानती है कि और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज मानते हैं कि चाइना का पार्ट है लेकिन कोई कोई कंट्री चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं तो ताइवान जो है साधर्न साइड में चाइना का साधर्न साइड में है और ये साउथ चाइना सी में ही ताइवान है और जो अभी रिसेंटली ताइवान का जो एपी सेंटर है अर्थक्वेक का भी रिसेंट अर्थक्वेक जो है उसका एपी सेंटर ताइवान ही था तो ताइवान में मेजर डिस डिज़ास्टर हुई है ताइवान में बताया जा रहा है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे कोलाप्स हुए हैं जैसे कि ट्रेन ट्रेन वाला वीडियो देखे तो ट्रेन ट्रेन पूरा सेक करने लगी बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है ताइवान को इससे अब बात करें तो अर्थक्वेक अर्थक्वेक होता है जो हम लोग ऊपर में देखते हैं उसको तो बोला जाता है एपी सेंटर लेकिन जो उसका एपी सेंटर है उससे कहीं नीचे पे होता है फोकस यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं और सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट जो होता है वो होता है जो अर्थ के ऊपर होता है वो होता है एपी सेंटर तो जहाँ पे स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको फोकस बोलते हैं या फिर हाइपोसेंटर सेंटर बोलते हैं नेक्स्ट बात करें तो जो है जैसे आप देख सकते हैं फोकस है और यहाँ से जो होता है वेव्स वेव्स ट्रांस ट्रांसमिट होती है और जहाँ पर अगर कोई फॉल्ट स्क्रैप आया तो पूरी की पूरी उस पार्ट को ही अर्थक्वेक में नीचे धकेल देती है तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं फोकस है तो इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अर्थ सरफेस से तो वहाँ पर जाके जो होता उसको है उसको बोलते हैं हम लोग एपी सेंटर और ये जो वेब की तरह जा रहा है इसको वेब फ्रॉन्ट्स बोला जाता है नेक्स्ट बात करें तो अर्थक्वेक अर्थक्वेक क्या होता है अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ धरती के सरफेस को हिलना ही अर्थक्वेक बोला जाता है जिसमें कि कुछ एनर्जी रिलीज होती है लिथोसफेयर से को कम लोग सेस्मिक वेव्स भी बोलते हैं नेक्स्ट बात करें तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक और अर्थक्वेक क्यों काउज़ होते हैं अर्थक्वेक क्यों आते हैं सबसे पहले बात करें तो अर्थक्वेक का टाइप्स फॉल्ट जोन से भी हो सकता है जैसे कि दो पार्ट दो सरफेस ऑफ द अर्थ जो है कभी कभी टेंशनल फोर्स की वजह से दूर जाते हैं तो दूर जाने में क्या होता है धरती हिलने लगती है या फिर कभी कभी सामने आते हैं तो दोनों पार्ट आपस में टकराते हैं तो उसमें भी धरती हिलती है टेक्टोनिक अर्थव्यक बोल सकते हैं जैसे कि आप दिखाया जा रहा है दोनों पार्ट आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है पूरी जो अर्थ सरफेस है वो सेक हो रही है हिल रही है तो ये टेक्टोनिक अर्थवेक या तो वो कंप्रेशनल फोर्स हो गया है टेंशनल फोर्स हो गया या ट्रांसफर्स ट्रांसवर्स जो टेक्टोनिक होती है उससे भी अर्थवेक आ सकते हैं कभी कभी फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं जब दो दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो ऊपर चल जाते हैं कभी कभी नीचे चल जाते हैं और कभी कभी जो होता है अर्थक्वेक वॉल्केकैनिक अर्थक्वेक भी आ सकता है कोई वॉल्कनो अगर इरप्ट हो रहा है तो जो आमने सामने का सरफेस है वो हिलेगा वो दूर जाना चाहेगा तो वहाँ भी वॉल्कैनिक अर्थक्वेक आता है और कभी कभी क्या होता है अर्थक्वेक जो होता है ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है यानी कि मानव निर्मित अर्थक्वेक यानी कि मानव जितने भी डेवलपमेंट में काम करते हैं जैसे कि इंजेक्शन करते हैं कोई भी चीज़ को इंजेक्ट करते हैं धरती में तो वहाँ पे जो होता है फॉल्ट क्रिएट हो सकते हैं जिससे कि सरफेस अर्थ सरफेस हिल जाता है कभी कभी एक्सट्रैक्शन करते हैं माइनिंग वगैरह करते हैं वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में सरफेस है वो हिलता है तो वो भी एक मेजर रीज़न है अर्थक्वेक को क्रिएट करने में और कभी कभी क्या होता है लोडिंग यानी कि बड़ा बड़ा डैम वगैरह क्रिएट करते हैं जिससे कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ होता है वो नीचे धसता है तो जिससे कि भी एक अर्थक्वेक को ये जन्म दे सकता है सबसे पहले बात करें तो फोल्ड जोन्स फोल्ड जोन्स में जैसे कि हम लोग बात किए अगर ट्रांसवर्स अगर दो प्लेट आपस में दूर जा रही हैं और फॉल्ट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो ये जो सरफेस है ये तो सेक होगा ही ना तो इससे भी अर्थक्वेक होता है और यहाँ पे नीचे जाता है कभी कभी प्लेट्स तो इससे भी अर्थक्वेक होता है और जो सामने टकराती है कोई प्लेट ऊपर चल जाता है तो उससे भी अर्थक्वेक हो सकता है और यहाँ भी जो है प्लेट ऊपर जा रही है तो यहाँ भी अर्थक्वेक हो सकता है तो ये फॉल्ट जोन्स के वजह से भी अर्थक्वेक होता है नेक्स्ट बात करें तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक जैसे कि बताया दो प्लेट जैसे कि आपस में टकराते हैं तो पूरी धरती पूरी जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो सेक करने लगती है दोनों प्लेट्स जो होती है वो सेक करने लगती है तो ये केस ट्रांसफर्स ट्रांसवर्स में भी होता है यानी कि दो प्लेट्स अगर आपस में टकरा नहीं रही है साइड साइड क्रॉस करके जा रही है तो वो भी होती है पूरे जो ये अर्थ का जो दोनों प्लेट्स है वो तो आपस में हिलेगी और कभी कभी जो दोनों प्लेट्स दूर जाती है तो वहाँ भी होता है अर्थक्वेक यानी कि दोनों प्लेट्स हिलती है तो ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक हो गया नेक्स्ट बात करें तो हम लोग वॉल्कनिक अर्थक्वेक वॉल्कोनिक अर्थक्वेक में हम लोग बात किए कि जैसे कि कोई वॉल्कन अगर इरप्ट होता है तो ही होने की वजह से जो होता है साइड साइड में कभी कभी होता है कि अपना जो लावा होता है वो फैलाने लगता है तो इससे कि इससे भी जो होता है जब अर्थक्वेक का जो जन्म हो सकता है जैसे कि वॉलकैनो होता है वॉलकैनो अपना लावा दूर तक फैलाना चाहेगा और ये पाइप धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा तो ये कहीं ना कहीं तो जाएगी तो जिससे क्या होता है धरती में भी सरफेस होता है जो प्लेट्स होती है वो फटना शुरू हो जाती है तो वॉलकैनो के वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं और कभी कभी तो ह्यूमन इंड्यूस्ड बताया कि मानव मानव ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि अर्थ के प्लेट्स में अर्थ के सरफेस में दरारें पड़ जाती है और वो अर्थक्वेक का कारण बनता है ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होता है वो देख सकते हैं माइनिंग से होता है थर्टी एट परसेंट माइनिंग से होता है अर्थक्वेक ह्यूमन इंड्यूस्ड की बात कर रहे हैं यानी कि मानव ऐसे कौन कौन से काम करते हैं जिससे कि अर्थक्वेक हो सकता है तो थर्टी एट परसेंट माइनिंग से होता है वन परसेंट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जियो थर्मल से एट परसेंट ऑयल वगैरह निकालने से फोटीन परसेंट वाटर रिजर्वर यानी कि डैम बड़ा बड़ा डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं वहाँ पर भी जो होता है ट्वेंटी थ्री परसेंट देखा जा सकता है कि अर्थक्वेक आने की संभावना होती है फाइव परसेंट वगैरह डिस्पोज करते हैं हम लोग रिसर्च वगैरह करने में टू परसेंट का और बात करें तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजनस इससे भी थ्री परसेंट का अर्थक्वेक आ सकता है कभी कभी क्या करता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं तो उससे भी जो होता है अर्थक्वेक आते हैं तो ये तो था ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक यानी कि लोग क्या क्या करते हैं जिससे कि अर्थक्वेक आ सकता है नेक्स्ट हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं वो इसी एरियाज में आते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ फायर जो होता है वो इस तरह से इस तरह से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यहाँ से ऐसा करके एक रिंग बनाता है तो यही रीजन्स है कि अर्थक्वेक इस एरिया में ज़्यादा आता है क्योंकि जो प्लेट्स होते हैं ना प्लेट्स जैसे कि ये हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये हो गया पैसिफिक प्लेट दोनों आपस में टकराएंगे तो ऑबियस ये बात है अर्थक्वेक का और वॉल्कनों में भी आ सकता है वैसे ही यूरेशियन प्लेट हो गया और पैसिफिक प्लेट हो गया ये टकराएंगे तो यहाँ पे आ सकता है तो अभी रिसेंटली जो है अर्थवेक यहाँ पे ताइवान में आया हुआ है और इधर भी देख सकते हैं हम लोग इंडिया की तरफ इंडिया की तरफ भी कुछ कुछ प्लेट्स जो टकराती है तो वहाँ भी अर्थवेक आने की संभावना ज़्यादा रहती है तो ये तो लाइन हो गया यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है तो देखिए हम लोग अभी टेक्टोनिक प्लेट जो होती है टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से भी अर्थक्वेक आता है तो इसी रीज़न है कि ये जो पैसिफिक प्लेट है ये बहुत बड़ा है और ये चारों साइड से टकराती है तो इसके वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं यहाँ जैसे कि देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में हो गया रॉकीज हो गया साउथ अमेरिका में हो गया एंडीज तो माउंटेन का फॉर्मेशन भी तो प्लेट्स के टकराने से ही होते हैं तो उसी जो उसी दौरान क्या होते हैं जब प्लेट्स टकराते हैं तो पूरी जो अर्थ की प्लेट है अर्थ की जो सरफेस है वो वाइब्रेट होती है और इससे कि अर्थक्वेक आता है नेक्स्ट बात करें तो अर्थक्वेक को मेज़र कैसे करते हैं तो अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं सेशमोमीटर से ये जो जिग जिग वेव्स हैं इसको मेज़र करती है और जैसे कि जान सकते हैं जो फर्स्ट वेव आती है वो पी वेव का लाती है सेकेंड वेव एस, एस वेव का लाती है और लास्ट में सरफेस वेव आती है जो कि काफ़ी ख़तरनाक होती है मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड स्केल होता है उसको रिचर स्केल बोला जाता है और जो इंटेंसिटी नापती है उसको मार्सली स्केल बोला जाता है तो जो मैग्नीट्यूड अभी यहाँ पे कितना सिक्स पॉइंट एट की आई थी तो वो रिचर स्केल में देखा गया था दैट इज रिचर स्केल जो होता है जीरो टू टेन उसका नंबर जाता है और मार्सली का वन टू ट्वेल्व जाता है ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये कुछ डायग्राम है जिससे कि मेजर किया जा सकता है अर्थक्वेक को तो अर्थ का मोशन होता है अर्थक्वेक से या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा ये डायग्राम के हिसाब से और यहाँ पे एक लटकाई जाती है और एक कुछ हैवी मास जो कि मोशन को रेजिस्ट करता है और पेपर में जो है ये ग्राफ बन जाता है तो ये एक मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक का डायग्राम है इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी जो है अर्थक्वेक अफेक्टेड है इंडिया जो है एक अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्री है क्योंकि इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ था ना वो जो टकराने से हुआ था इंडिया का जो प्लेट है वो इरेशन प्लेट से टकराई थी तो यहाँ पे भी जो है ये रीजन भी अर्थक्वेक अर्थक्वेक के अंडर आता है इसी को देखते हुए इंडिया को चार सेस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है दैट इज़ जोन टू जोन थ्री जोन फोर एंड जोन फाइव जोन फाइव जो है हाईली वेरी हाईली रिस्क जोन है और जो वेरी हाईली हाई रिस्क जोन है वो तो हिमालयन रीजन के आसपास ही है तो इसी एरिया में ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेंस है और फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो प्लेट्स के टकराने से होते हैं तो यहाँ जो है अर्थक्वेक के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि अभी ताइवान में रिसेंटली कितना ख़तरनाक अर्थक्वेक आया हुआ है और अर्थक्वेक क्या होता है अर्थक्वेक कैसे आता है अर्थक्वेक के कितने टाइप्स होते हैं और इंडिया में अर्थक्वेक की आने की संभावना कितना है और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक किस किस एरियाज किस किस रीजन में आते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद